माहे रबी रबी वो नूर चल रहा है, यानी सरकार का महीना, जहाँ पे सरकार की आमद है और सरकार की रुखसत भी इसी महीने में हुई। हाँ, हम मानते नहीं है रुखसत, लेकिन जानकारी के लिए वो चीज हुई है। एक चीज मेरे दिमाग में चल रही है और मैं जरूरी समझता हूँ, वो मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहले मैं मेरी कुछ बात कहूँ, उससे पहले आइए हम सब मिलकर नजराने दरूद शरीफ का हदिया हम सब मिलकर बावजे बुलंद पेश फरमाएं। اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد بن علي وسلم سر دو ہے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم। मेरी नात शुरुआत होने से पहले मैं चाहूंगा हमारे बड़े वालिद साहब जनाब अब्दुल अकरम खानजादे जो जो पीछे बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और वो यहां पे आए। आइए आप। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार का जिक्र और निखरता है, और इसी की बात अभी रोशन साहब कह रहे थे कि हम लोग सरकार की रुखसती को नहीं मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए, और मेरा कि मान लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ईमान का सवाल हो सकता है। तो मेरा अगर मैं उस बात को कह रहा था तो इस बात से कह रहा था कि जब हम लोग बारह वफात बोलते हैं तो वफात का मतलब है, तो उस बात को जहन में रखते हुए तो दोनों चीजें ऐसी हैं, ये जानना जरूरी है। माना इस तरह का कि है सरकार अजल से अब्द तक रहेंगे, शुरुआत से लेके आखिर तक रहेंगे। तो आइए अभी मैं जिस के लिए यहाँ पे पहुंचा हूं उसको आगे बढ़ाते हुए मैं चंद अशार आपकी नजर करने जा रहा हूँ। वो चंद अशार से पहले मुझे कुछ कहना है कि जब मैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में हम लोग बहुत कुछ तैयारियां कर रहे थे और खुदा की रहमत बरस रही थी और मुझे लग रहा था कि ये आजमाइश है या और क्या है कि हमको महफिल तो करना ही है, तभी मुझे शफी साहब का फोन आता है और वो बोलते हैं कि चाहे तूफान ही क्यों ना आए हम लोग महफिल करेंगे ही करेंगे। और ये जो लफ्ज थे उनके, वो एक ऐसा जुनून या ऐसी ताकत भर दिए। और मैं यही बात हमारे सभी बिरादरान को बोल रहा था, ये सभी जितना भी यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है, इतनी बारिश, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना, ये सब होने के बावजूद भी ये सभी की मेहनत है। और खास करके मैं हमारे बड़े बिरादर जनाब शकील अहमद खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे एक बात जरूर बताई, कुछ भी हो हम लोग करेंगे, हम तेरा साथ देने के लिए तैयार। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसे नाजुक मौके पर ऐसा काम कर जाना, ये जिंदगी में जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ हिस्ट्री लिखी थी, तो आज आपने शायद मेरे हिसाब से एक हिस्ट्री अपनी बना दी है। तो ये था, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग जितनी हमारी जिंदगी रहेगी उतनी जिंदगी तक हम लोग इसी तरह से इसी भाईचारे को और गहराई से बढ़ाएं,
और एक दूसरे के लिए मोहब्बत से काम करें और हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दें और सरकार की तालीमात में उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का और हम भी लेते रहें, ये मेरी दिली तमन्ना है। और हम लोग जितना हमारे हाथ से हो सके उतना करेंगे तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो कुछ शेर हैं, समाप्त फरमाइएगा। हर इब्तिदा से पहले हर एक इम्तिहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर एक इम्तिहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मुस्तफा के बाद सबको मानता हूँ लेकिन मुस्तफा के बाद। अब मुस्तफा की बात हो गई, लेकिन ऐसा होना था कि पहले खुदा की बात हो बाद में मुस्तफा की बात हो। तो अभी खुदा की शान के लिए भी कुछ शेर है मेरे पास, ये मेरे लिखे हुए शेर नहीं है, बस मैं पढ़ने का ख्वाहिशमंद हूँ इसलिए आपको सुना रहा हूँ। खालिक तेरे कमाल की हद तक, हद तो नहीं मगर, खालिक तेरे कमाल की हद तो नहीं मगर तकलीफ मुस्तफा तेरी हद कमाल है, तकलीफ मुस्तफा तेरी, इससे बड़ा कमाल शायद इस कायनात के लिए कोई वो नहीं सकता। खालिक तेरे कमाल की हद तो नहीं मगर तकलीफ मुस्तफा तेरी हद कमाल है। बात दुनिया को अकीदत की बताओ के सईद, बात दुनिया को अकीदत की बताओ के सईद, चैन मिलता है मोहम्मद की सना खानी से, चैन मिलता है मोहम्मद की सना खानी से। और कुछ शेर हैं, एक नातिया शेर है जो जनाब शकील आरफी के लिखे हुए हैं, मैं आपकी नजर कर रहा हूं, आप इसको समाप्त करवाइएगा। मैं कोई जिक्र करूं जिक्र खुदा से पहले, मैं कोई जिक्र करूं जिक्र खुदा से पहले, दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से पहले। मैं कोई जिक्र करूं जिक्र खुदा से पहले, दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से पहले। उम्र भर याद रहे बस इतना दुआ से पहले, उम्र भर याद रहे बस इतना दुआ से पहले, उम्र भर याद रहे बस इतना दुआ से पहले। कुछ ना पाओगे मोहम्मद की रजा से पहले, कुछ ना पाओगे मोहम्मद की रजा से पहले। दुनिया रोशन हुई है हम जानते हैं, सैकड़ों दीप जले रूहे जमीन पर, लेकिन सैकड़ों दीप जले रूहे जमीन पर, लेकिन रोशनी हो न सकी सोल्ले अला से पहले, रोशनी हो न सकी सोल्ले अला से पहले। सैकड़ों दीप जले रूहे जमीन पर, लेकिन रोशनी हो न सकी सोल्ले अला से पहले। उनकी निस्बत से बचोगे तो ना बच पाओगे, उनकी निस्बत से बचोगे तो ना बच पाओगे। मुस्तफा मिलते हैं कब्र में खुदा से पहले, मुस्तफा मिलते हैं कब्र में खुदा से पहले, मुस्तफा मिलते हैं कब्र में खुदा से पहले। और अपनी हस्ती को अपनी हस्ती के तसव्वुर को पर रखकर हम पहुंचते हैं मदीने में हवा से पहले,
हम पहुंचते हैं मदीने में हवा से पहले, इससे बढ़कर कोई अरमान भला क्या होगा, इससे बढ़कर कोई अरमान भला क्या होगा। इनका दर देख ले एक बार कजा से पहले, इनका दर देख ले एक बार कजा से पहले। क्या करोगे जो सरे हश्र करेगा रिजवान, क्या करोगे जो सरे हश्र करेगा रिजवान। पूछ कर आओ तो महबूब खुदा से पहले, पूछ कर आओ तो महबूब खुदा से पहले। आए शकील अपनी जमाने में हकीकत क्या थी, आए शकील अपनी जमाने में हकीकत क्या थी। मेरे वारिस मेरे मौला की अता से पहले, मेरे वारिस मेरे मौला की अता से पहले। तरन्नुम से चंद शेर, उससे पहले मैं चाहूंगा आप तमाम हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना।